गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हमने करना है लेसन नंबर फोर संत रविदास तो लेसन स्टार्ट करते हैं वैन व्हेन एंड व्यर वाज रविदास बोर्न कहाँ पे हुए थे आपने बोलना है रविदास वाज बोर्न इन थर्टीन सेवनटीन सेवन, सेवन ए डी एट बनारस ठीक है कितने में हुए थे थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी सेवन में ठीक है, थीक है? वट डिड संत रविदास पेरेंट्स वांट संत रविदास पेरेंट्स वांट हिम टू बी एजुकेटिड वाई कुड रविदास नॉट कंटीन्यूड विद हिज स्टडी आपने बोलना है रविदास जी फाउंड एंड अनफ्रेंडली एटमोसफर एट द स्कूल सो ही डिड नोट पुट हिज माइंड इन टू स्टडी ठीक है बेटा आगे है वट डज वट डिड ही अंडरस्टैंड एट स्कूल उन्होंने क्या सोचा स्कूल में क्या सीखा ही अंडरस्टूड एट द स्कूल डैट आ चिल्ड्रन बोर्ड इन ए लो कास्ट वाज नोट ट्रीटेड वेल इन द सोसाइटी उनके अनुसार उन जो चिल्ड्रन पुअर फैमिली में जो जन्म लेते हैं तो उनके साथ जो सोसाइटी है वो अच्छा बिहेवियर नहीं करती हाँ जी आ गया है वट वाज़ रविदास इन सर्च ऑफ सर्च ऑफ एंड वाई क्या मतलब सर्च किया तो रविदास का रवि का आंसर है रविदास जी वाज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ सो हिम द राइट पार उन्होंने कुछ आध्यात्मिक टीचर जो थे उनका खोज करने की कोशिश की जो उनको अच्छी तरह से रास्ता दिखा सके आगे है व्हाट डिड स्वामी रामानंद डू फॉर रविदास क्या किया स्वामी रामादास जी ने इसके लिए रामानाथ जी के लिए रामानाथ स्वामी ने क्या किया रविदास जी के लिए आपने बोला है स्वामी रामानाथ जी काइंड स्पिरिचुअल फ्लेम इन द रविदास जी डैट चेंज हिज लाइफ मतलब वो स्पिरिचुअल अध्यात्मिक थे ना आ, स्वामी रामानाथ जी तो उन्होंने उनका लाइफ ही चेंज कर दिया उनको अध्यात्मिक ज्ञान देकर वैन डिड स्वामी रामानाथ आस्क रविदास टू डू गो बै मतो कब कहा कि रा स्वामी रामानाथ जी ने क्यों कब कहा कि रविदास आप तुम घर जा सकते हो आपने बोलना है वैन स्वामी रामानाथ जी मतो जब उसने कहा कि आप घर जाओ तो फिर उसने क्या क्या रिएक्शन थे गुरु रविदास जी के आपने बोलना व्हेन स्वामी रामानाथ जी वास सटिस्फाइड डैट द स्परिचुअल फ्लेम हैड बिन काइं तो परफ परमानेंटली इन रविदास जी ही आस्क हिम टू डू गो बैक जब गुरु जी ने देखा स्वामी रामानंद स्वामी रामानंद जी ने जब वो वो सटिस्फाइड हो गए कि ये पूरी तरह अध्यात्मक हो गए हैं तो फिर उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हो विच प्लेस डिज संत रविदास चूज फोर हीज मेडिटेशन कौन सी जगह मेडिटेशन के लिए चूज की संत जी ने तो ही चूज ए पीसफुल प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ द ऑफ हिज मेडिटेशन तो स्वामी जी ने जो र, जो रविदास जी थे उन्होंने एक जंगल में मेडिटेशन करने के लिए जगह को चोइस किया आगे है हाउ डिड संत रविदास सेव द डर फैमिली फ्रॉम द हंटर कैसे उन्होंने बचाया uh, जो हिरण के फैमिली को हंटर के साथ हंटर से तो आपने बोलना संत रविदास जी सेव्ड द डियर फैमिली फ्रॉम द क्रूबल हंटर विद हिज वर्ड्स ऑफ विस्टम एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी तो उन्होंने अपने वचनों के द्वारा और अच्छे तक के द्वारा उन्होंने हंटर से जो हिरण की फैमिली थी उसको बचाया वट चेंज सी इन द हंटर आफ्टर हिज कंटेंट कंटैक्ट विद स्वामी सॉरी संत रविदास जी तो उस जो हंटर था उसकी लाइफ में कैसे चेंज आ गया जब वो संत रविदास जी के कंटैक्ट में आए तो आपने आंसर देना ऑल द इवन थाउट इन द हंटर माइंड वर वॉस्ड अवे मतलब उसके माइंड से जो थी बुरी जो भावनाएं थी बुरे विचार थे वो निकल गए वॉश हो गए आगे है व्हाट वर मेन पॉइंट ऑफ द संत रविदास जी टीचिंग उनका जो मेन था टीचिंग का उनका क्या मेन मोटिव था मेन पॉइंट ऑफ संत रविदास जी टीचिंग वर कौन क्या चीज़ थी तो आपने बोलना है इंटीड्यू हाँ आंसर है इन टचल इन द दिन अगेंस्ट हुमेंटली मतलब मतलब मनुष्यता थे जो थे पापों को दूर करना ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गोड मतलब परमात्मा की नज़र में सभी इक्वल हैं और द डिस्टेंस ऑफ द कास्ट कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस मतलब जो हम भेदभाव करते हैं तो वो जो है कास्ट कलर के और ये मतलब सब कुछ व्यर्थ होते हैं मतलब कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ठीक है ये उनकी मेन मोटिव था उनकी जो टीचिंग था उनका मेन मोटिव यही था कि पापों से दूर रहना और सभी जो लोग हैं वो भगवान की नज़र में एक हैं और जाति पात जो है वो कुछ भी नहीं है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये आंसर देना है संत रविदास पेरेंट्स वांटेड टू बी एजुकेटेड व्हेन वाज रविदास बोर्न थर्टीन हंडर्ड सेवेंटी सेवन एटी आगे और आर लिव इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड ठीक है हु वाज द बिग बैगिंग फ्रॉम मर्सी आपने बोला डीर ठीक है रविदास जी अबाउट ए ग्रेट होप फॉर द डैश एंड बैकवर्ड आपने बोलना है पुअर एंड वीक रविदास जी स्पोक इन द सिंपल एंड क्लियर मैनर ट्रू के फॉल्स आपने बोलना है ट्रू ठीक है तो हमारा नैक्सट चैप्टर है द ओल्ड ओलसे एंड द ओल्ड से एंड द ब्रदर द ओल सें एंड द ब्रदर तो ये भी हम कर लेते हैं छोटा सा लेसन है इसके सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही आने हैं हाउ मैनी सन डिड द ओल्ड फार्मर हैव कितने बच्चे थे फार्मर के ही द फार्मर हैड थ्री सन ठीक है वाई डिड द फार्मर समन हीज सन तो आपने बोलना है द फार्मर हैड गॉन ग्रॉन ओल्ड ही समर हीज सन टू डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग दैम मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी था क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे तो अपनी प्रॉपर्टी जो थी बच्चों में बांटना चाहते थे वट हैड द फार्मर डिसाइड टू डू तो क्या डिसाइड किया फार्मर ने द फार्मर हैड डिसाइड टू गिव हिम थ्री सन ए फील्ड एंड ए हाउस हाउस ईच मतलब अपना जो है अपने बच्चों को क्या देना है अपना खेत और हाउस ठीक है हाउ डिड हरी हेल्प द सेंग हरी है हरी गिव टू देंग ए चपाती ठीक है क्या दियाँ चपाती दी वट डिड हरी आस्क फॉर ही आस्कड फॉर ए बिग हाउस एंड टेनकाओ उसने बोला कि द एक बड़ा हाउस और टैनकाओ मांगिए वाय कुड ही संग नोट करोस द रिवर क्यों नहीं करोस कर चुका वो द सेंग कुड नोट करोस द रिवर बिकॉज देयर वॉज नो बॉट क्योंकि वहाँ पे बोर्ड नहीं थी रिवर क्रॉस करने की हाउ डिड सन हाउ डिड संदीप हेल्प द संग संदीप हेल्प द सेंग तो आपने बोलना है संदीप बाउट वाटर फ्रॉम द सिंह क्या किया था सैंग ने तो आगे है डिड ऑल द ब्रदर कीप दियर प्रॉमिस क्या प्रॉमिस की उसने आपने बोलना है नो no. मतलब प्रॉमिस की थी उसके साथ ब्रदर सभी ने संदीप के साथ क्या प्रॉमिस की कि नहीं की आपने बोला नो ओनली संदीप कैप्ट हीज प्रॉमिस ठीक है वाई डिड द सैंग स्टैक स्नैच अवे द गिफ्ट फ्रॉम हरी एंड रमन क्या क्या स्नैच जो ऐसे ऐसे करते हैं वो वाला द सेंग स्नैक्स अवे द गिफ्ट फ्रॉम दैम बिकॉज दे कुड नॉट कीप दियर प्रोमिस क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस नहीं मानी थी वट डू यू मीन फ्रॉम द स्टोरी इस स्टोरी का क्या मतलब है वन मस्ट कीप वन प्रमिस ठीक है इट इज़ ओनली ड्यूटी टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी मतलब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम प्योर और नीडी बंदे की हेल्प करें आगे है इसके एम सी क्यों हाउ मैनी सन डिड टू द पुअर फार्मर कितने थे थ्री कितने सन थे थ्री सन थे हैरी गिव टू द सेंग ए ए डैश क्या दिया था उसने एक मिनट हाउस सांगे को क्या सैंग दिया था हाउस आर डिड ऑल द ब्रदर कीप दियर प्रोमिस यस के नो नो यस हैरी आस्कर फ्रॉम अग हाउस एंड टाव बिग हाउस एंड टनका देंग क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ ए बॉड फॉल्स क्योंकि बॉडी नहीं थी वहाँ पे दे लुक रेस्ट अंडर ए डेस्ट्री किस ट्री में मनी एंट्री इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारी एक, जो लेसन है कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट हम इसके जो वर्ड में इस लेसन में जितने भी हमने किए ना लेसन यही आने हैं तो इस लेसन में और क्या क्या आने हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी आपने मेरी वीडियो पे बने रहना है और अच्छी तरह से पढ़ना है अच्छे नंबर लेने हैं टेक केयर